में कहते हैं यात्रा करने निकले हैं, मींस सारे मंदिरों के दर्शन। आज ये दूसरा मंदिर है बंकहेंग टेंपल, 19th century। ये बायोन टेंपल है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बाप रे, इतना लंबा मंदिर कैसे हो सकता है? मी आई हैव मैरी फ्रॉम स्पेन सिंस लास्ट टू टेंपल्स आई थिंक सो वी आर ट्रैवलिंग ऑलमोस्ट टुगेदर एवरीवेयर। शी इज ट्रैवलिंग बाय टुक-टुक एंड आई हैपन टू फॉलो हर लाइक थिंग। शी इज ऑलवेज अहेड ऑफ मी बिकॉज़ आई एम इन बाइक एंड आई एम सर्चिंग आउट द वेज। Pre-wedding shoot over here, as I used to say. Even you know, even I was thinking the theme from India. People can come over here for pre-wedding shoots. आज ऐसा लग रहा है कि वो हमारे गुजराती में कहते हैं यात्रा करने निकले हैं, मींस सारे मंदिरों के दर्शन। आज ये दूसरा मंदिर है, ट्रैकिंग करवा दिया इन्होंने। अब पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे मंदिर घूमने के लिए दो सर्कल है, स्मॉल सर्कल एंड बिगर सर्कल। अब स्मॉल सर्कल में चार पांच मंदिर है एंड बिग सर्कल में 5-6 मंदिर है। ये कुछ शॉर्टकट लग रहा है, पर आई थिंक सो आई शुड टेक द करेक्ट वे। कुछ दिखाता हूँ आपको। अच्छा, सांप जैसा है, चल के जा रहा है। वाह, नब्बे सदी का मंदिर। ये भी मेरी तरफ से हुए। You can see butterflies. साल के बच्चे, नीचे के बच्चे अलाउड नहीं है, इवन ट्रेनिंग मंजन अलाउड है। शेर यहाँ भी बैठे हैं। और ऊपर जाना है, चढ़ाई बहुत स्टेप। So this is the main temple. So ये मंदिर है। कार्विंग देखिए आप, Stolen Home Gate.
ये ओम गेट है। कितना नीट एंड क्लीन मेंटेन्ड है। वैसे तो जंगल ही है बट इट्स रियली क्लीन। सामने भी कुछ टेंपल आ रहा है। ये बायोन टेंपल है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इट्स बायोन टेंपल। जहाँ भी देखो वहाँ पे हेरिटेज साइट्स ही है। पूरे सीएम रिप में आप देखिए, इट्स ऑल हेरिटेज साइट्स। सब जगह में जहां भी जाइए देख सकते हैं, यहाँ के जंगलों में पानी भरा है दोनों साइड। पानी कहाँ से आ रहा है? सब जगह पे पानी है। शायद कोई रिवर है वहां से पानी आ रहा है। और ये एक और गेट, हेरिटेज गेट है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये समुद्र मंथन वाला सीन है। Beautiful, yaar. So this is Prasad Prekhan Temple. Look at the carving. Almost the same time. अपने जो साउथ के टेंपल्स हैं साउथ इंडिया के, वैसा ही फील दे रहा है।
बाप रे, इतना लंबा मंदिर कैसे हो सकता है? ये शायद शिवलिंग का कुछ होगा ऐसा लग रहा है। ये बाजू भी इतना है, ये शुरू आ गए, ये पिलर सब देख सकते हैं। सुंदर है शिव जी, nhau mẹ nó miên ai này nó là cái bảng ra nó từ chào cái nó liên sập tầm họ इतना ये बाजू है। बाप रे, मैं वहां तक नहीं जा रहा हूं। इतने लंबे टेंपल कैसे हो सकते हैं? So there's one more place to visit here. Wow. Well, in the temples, from what I know, they... कौन सा टेंपल में नाम भूल यार, मैं बताता हूँ उनको, मैं देख की आई थिंक सो दिस इज द एंट्रेंस एंड यहाँ पे कुछ डायनासोर जैसा दिख रहा है।
ये भी एक गेट है, शायद ये एंट्रेंस होगा। ये और सामने नंदी गाय जैसा ड्रैगन बैठा हुआ है भगवान के सामने। मी आई हैव मैरी फ्रॉम स्पेन। सिंस लास्ट टू टेंपल्स आई थिंक सो वी आर ट्रैवलिंग ऑलमोस्ट टुगेदर एवरीवेयर। शी इज ट्रैवलिंग बाय टुक-टुक एंड I happen to follow her like thing. she's always ahead of me because I'm in bike and I'm searching out the ways. Nice to meet you. Now going to Krokol Temple, Krolko Temple. So ye kuch aur ek purana temple. ये शायद बहुत ही ज्यादा पुराना है। इसके क्रोलको टेम्पल, इसके ये भी अंदर ऑलमोस्ट लाइक डीके होने लगे हैं। तो आई थिंक सो दिस इज मोर एंशियंट देन द ये शायद और ज्यादा पुराना है। 9वीं सदी से भी पुराना हो सकता है शायद, क्योंकि ये उनको पूरा नहीं मिला है। इन्होंने देखिए ये पीसीस छोड़ के रखे हैं। इनको भी समझ में नहीं आया कि बाकी का कहाँ गया। सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स बना के रखे हैं इन्होंने ताकि गिर ना जाए लकड़े के ये। Wonderful. Yep. ये लॉर्ड, ये अगेन शायद बुद्धा है। This is a couple who is getting a pre-wedding shoot over here. As I used to say, even you know, even I was thinking the same. From India, people can come over here for pre-wedding shoots. Okay. So when's your wedding? When will be it? Is it comfortable? English is comfortable. When will be your wedding? Means when you'll get married? Just for photo, family photo. Okay. So when will they get married? No, just for wedding, family. Okay. Chalo, anyways, all the best for the future. Thank you. मुझे नहीं लगता कि ये इतने बड़े बड़े सिर्फ मंदिर होंगे, ये शायद आश्रम जैसे होंगे जहाँ पे लोग रहते भी होंगे। एंड जो मे बी गुरुकुल टाइप्स या कुछ ऐसा होगा जहाँ पे लोग या तो कोई ट्रेडिशनल कल्चरल या कुछ चीज़ें पढ़ते होंगे, आध्यात्मिक चीज़ें पढ़ते होंगे या कुछ ऐसा होगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े मंदिर नहीं हो सकते। ये बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं।